बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दाल की कचौरियाँ। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने एक कप मैदा ले लिया है और मैंने इसमें आधी टीस्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा, लिया है साबुत ज़ीरा, और नमक लिया है, और एक टेबल स्पून मैंने घी लिया है। ये सारी चीज़ों को मैदे में डालकर इसको हम डो तैयार कर लेंगे और उसको हम एक घंटे के लिए रख देंगे। और उसके मैंने ये मसूर की दाल ली है, इसको मैंने आधा कप पानी में भिगा दिया था। तो ये दाल को मैं चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। इस तरीके का होना चाहिए आटा। ये मैंने दाल गला लिया था, आधी टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डालकर इसको मैंने गला लिया। ये देखें, ये इस तरीके से स्मूथ सा हो जाना चाहिए। अब इसमें हम जो मसाला डालेंगे, ये मैंने साबुत ज़ीरा लिया है आधी टीस्पून, और ये साबुत धनिया लिया, ये भी आधी टीस्पून, और ये साबुत लाल मिर्च लिया है, और ये नमक लिया है। ये देखिए, ये इसमें मैंने मसाला कूट के डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये दाल जो है ना मैंने गला दी है, इसको पीसने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही गल जाती है। बस इसको हाथ से आपने यूं करके मैश कर लेना है। उसके बाद में आटे का मैं पेड़ा बनाऊंगी, उसमें फिर इसको फिल करेंगे, फिर आगे का दिखाती हूँ आपको। देखिए, सही से मिक्स हो चुकी है। अब हम ये पेड़े बनाएंगे। ये शॉपर लिए, इसको हम दे देंगे। ऐसे छोटे छोटे से आपके दिनों में
बस ये छोटी छोटी पूरियाँ बनानी है आपने, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, बस यही साइज रखना है आपने। इस तरीके से हमने सारी के सारी पूरियाँ बना के रख लेंगे। एक और एक आपको बना के दिखा देते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और फुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये पूरियाँ डालूंगी। इसमें डालें ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी पूरी पूरी से हुई है ये पूरी। अब इसमें कलर आ जाए अच्छा सा तो फिर आप निकाल लें। इस तरीके से मैं आपको और पूरियाँ बना के दिखाती हूँ। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। आप खा के देखें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें इस तरीके से आप ये थैली में करके करेंगे ना तो आपकी ये पूरियाँ कहीं से फटेंगी भी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेंगी।
इसको ऐसे करके संभाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी बेल ली। अब ये सबको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी और बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये तैयार हो गई। नीचे पूरी बनी। ये आप खाएं किसी चीज़ के साथ, तरकारी के साथ, छोले के, सालन के साथ, कबाबों के साथ, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर लेकर आऊँ। थैंक यू।